आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। दोपहिया वाहनों में आमने सामने से भिड़ंत, एक युवक की मौत, चार गंभीर घायल। सनावद नगर के पुनासा मार्ग पर शनिवार शाम 6 बजे दोपहिया वाहनों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं चार गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें 3 घायलों को इंदौर रेफर किया गया। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहिया सवार संतोष पिता, हीरा लाल महेश पिता संतोष और उसकी मां, तीनों एक वाहन पर सवार होकर सनावद से सिलदा जा रहे थे। वहीं एक अन्य दोपहिया वाहन पर सवार 3 युवक विजय पिता, घनश्याम किशन पिता कैलाश और प्रवीण पिता प्रेमलाल, तीनों सुलगांव की ओर जा रहे थे। घटना में घायल प्रवीण ने बताया कि सामने से आ रही बस को ओवरटेक करने के कारण दूसरा दोपहिया वाहन उनके वाहन से टकरा गया, जिससे यह घटना घटित हुई। सभी घायलों को निजी वाहन से सिविल अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर हंसा पाटीदार ने बताया कि उपचार के दौरान महेश पिता संतोष की मृत्यु हो गई, वहीं 3 गंभीर घायल विजय, किशन और संतोष को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया, वहीं प्रवीण का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में घायलों के बयान लिए। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। दो पहिए वाहन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 की का एक्सीडेंट हुआ है, 4 का, और एक की डेथ हुई है। 4 में से एक यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है और 3 को रेफर किया है। रेफर जिनको किया है उनके नाम है विजय, घनश्याम, किशन कैलाश, प्रवीण सना प्रेमलाल, संतोष हीरालाल, और जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है महेश पिता संतोष।